का जो वक्त हो सबको टाल देता है। हाँ। गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। वाह। एक हसीन बीवी के चक्कर में पड़ के हाँ। ये नौजवान बुजुर्ग बाप को घर से निकाल देता है। हाँ। ये नौजवान बुजुर्ग बाप को घर से निकाल देता है। हाँ। कोई क्या करेगा। हाँ। कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ। यहाँ सपा लड़ाई में है ही नहीं। अच्छा। जमाली बनाम निरहुआ की लड़ाई है यहाँ। हाँ। सपा कहीं नहीं लड़ाई में है। कोरोना काल में तो दिखे ही नहीं। विलुप्त हम लोग खोजते रहे सांसद कहाँ है। 5 साल मौज मस्ती करते रहे। जब चुनाव आता है तो दिल के धड़कन बना लेते हैं आजमगढ़ को जो विलुप्त रहते हैं। हाँ। और वही डबली वही राग रहता है उनका। उनका परिवारवाद यहाँ चलता है जो कि अभी इस बार नहीं होगा। नमस्कार, यूपीडीबी की टीम आजमगढ़ में है और इस समय हम रक्त पर सवार हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें दोबारा उप लोकसभा के उपचुनाव में टिकट दिया और मैदान में उतारा है। इससे पूर्व आपको बता दें अखिलेश यादव यहाँ के सांसद थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर उतारा है। कैमरामैन कहेंगे एक बार देखिए ये काफिला दिखा दीजिए कि निरहुआ देख लीजिए आगे पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं और उसके पीछे लंबा सा निरहुआ का काफिला और उसके साइड में उनके समर्थक उनके समर्थक देख लीजिए कितना जनसैलाब है कितना प्यार मिल रहा है निरहुआ को। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। दादा हमारे साथ। दादा नाम क्या है। ध्रुव प्रसाद चौरसिया। क्या कितना आनंद ले रहा है क्या लग रहा है इस बार। इस बार चुनाव हम लोग एकदम पीक पे चल रहा है। चुनाव जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव मैदान में है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हाँ। और यहाँ की जनता एकदम निरहुआ के पक्ष में सारी बात कर रही है। हाँ। और चुनाव निश्चित जीता जाएगा। अखिलेश यादव 3 साल तक सांसद थे उसके बाद चले गए क्या लगा। डर है अपने भाई को तारा किस लिए इस्तीफा दिया। डर गए आजमगढ़ से वो डर गए। किस लिए डर गए। डर अगली बार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। निरहुआ ने पसीना छोड़ा दिया उनका। हाँ। अगर वो आपकी अकेले लड़ते हाँ। तो चुनाव हार जाते वहाँ से। हाँ। उनकी जमानत जब्त हो जाती है। हाँ। निरहुआ चुनाव जीत के जाएंगे। हाँ। और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और धर्मेंद्र यादव जो चुनाव उतारा है एक कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो है परिवारवाद का टैग सामने आया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोग को। हाँ। उनकी देखिएगा आपकी बार समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। और निरहुआ यहाँ से भारी मतों से विजयी होके जाएंगे। उपचुनाव है और यहाँ पर भी हमने कुछ लोगों की राय ली है जिनका ये कहना है कि निरहुआ फिल्मों में काम करते हो राजनीति कहाँ कर पाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है। हाँ। कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है। हाँ। हमारे दिनेश जी की इतनी लोकप्रियता है। हाँ। पूरे दुनिया में इतनी लोकप्रियता है और उनको रानी सिखाने की क्या जरूरत है भाई। वो जो अभिनेता वो फिल्म में काम करता है फिल्म बनाता है उसको राजनीति नहीं आती होगी। राजनीति है क्या। चलिए चलिए आपसे सवाल है हमारा क्या लगता है इस बार अगर बात की जाए विकास के मुद्दों को लेकर तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ से सांसद थे 3 साल में कितना विकास किया उन्होंने। 3 साल में बहुत ज़्यादा विकास कुछ कोरोना काल में तो दिखे ही नहीं। हाँ। विलुप्त हम लोग खोजते रहे कि सांसद कहाँ है। 5 साल मौज मस्ती करते रहे। जब चुनाव आता है तो दिल के धड़कन बना लेते हैं आजमगढ़ को जो कि विलुप्त रहते हैं। हाँ। और वही डपली वही राग रहता है उनका। उनका परिवारवाद यहाँ चलता है जो कि अभी इस बार नहीं होगा। अगली बार गठबंधन कारण उन्होंने यहाँ पर विजय फतह किया था जो कि इस बार खुले चैलेंज है और इस बार वो किसी भी गढ़ में नहीं है। यहाँ पर उनका हार ही एक गढ़ है क्योंकि यहाँ पर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। पहले डिंपल यादव नाम कर रहे थे फिर सुशील आनंद को नाम कर रहे थे। जब उनको मंथन काफी हो गया उनको ये लगा कि अब इज्जत बचने वाली नहीं है तो धर्मेंद्र यादव के आगे सामने कर दिया जो कि 10 विधायक लगे उनके। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ भी उनका जीतने का कोई गारंटी नहीं है। बस जीतेंगे तो केवल निरहुआ है। सुशील आनंद के साथ क्या हुआ गलत हुआ ना। धोखा हुआ। पहले टिकट दिया आश्वासन दिया उसके बाद धर्मेंद्र यादव को उतार दिया क्या है। धर्मेंद्र यादव के इसलिए उतारा गया कि डिंपल यादव अगर हार जाती तो बहुत बड़ा हार होता उनका। हाँ। इसके लिए वो अपना मान सम्मान बचा के अपने धर्मेंद्र आनंद को उतार दिए। अच्छा धर्मेंद्र यादव को। चलिए सवाल आपसे हमारा अभी तक यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 10 सीटें सपा की जीतती है कितना टफ रहेगा निरहुआ के लिए लोकसभा का उपचुनाव ये।
पहले तो मैं एक बार कहता हूँ कि निरहुआ यहाँ से विजयी होंगे। अच्छा, ये कितना विश्वास है? पूरा विश्वास। मैं एक अनुसूचित जाति से जिला अध्यक्ष भी हूँ, अनुसूचित जाति का। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदागर भारती है जी, और रहने वाला इसी विधानसभा का हूँ। हम लोगों का पूरा टारगेट है हर विधानसभा में अनुसूचित जाति 15,000 वोट इस बार बढ़ेगा। हाँ। निरहुआ भारी मतों से विजयी होंगे। हाँ। और हम लोग परिवार की राजनीति करते भी नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुलायम यादव, धर्मेंद्र यादव, ये लोग कहीं नहीं लौक रहे हैं क्षेत्र में। हाँ। देख लिए काफिला सिर्फ निरहुआ ही निरहुआ। हाँ, काफिला तो निरहुआ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए काफिला दिखा दीजिए। देखिए लंबा काफिला चला रहा है दिनेश लाले तो निरहुआ का, आगे पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके पीछे तीसरे नंबर की जो गाड़ी है वो दिनेश लाले तो निरहुआ की है, लगातार उनका जनसंपर्क है। आपको बता दूं, क्या यह समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास है जो प्रचार में अभी तक धर्मेंद्र यादव कहीं नजर नहीं आ रहे? यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का प्रचार प्रसार चल रहा है, कुछ कारणवश हमारा जीत उस बार नहीं हो पाया था, क्योंकि गठबंधन भी था कुछ प्लस होने कारण, लेकिन आजमगढ़ उन्होंने 1% कोई विकास नहीं किया है। केवल यहाँ पर जनता को प्रलोभन देकर कि हम आपका विकास करेंगे, और उन्होंने मैनपुरी इटावा जैसे जीत जाते थे मैनपुरी इटावा चले जाते थे। कोरोना काल जब इतना आया था तो योगी सरकार उनकी पूरी जनता पूरी निरहुआ इसमें अपने लोकसभा में पूरी डटे हुए थे, लेकिन उस टाइम न अखिलेश यादव दिखे, न उनका कोई प्रतिनिधि दिखा, न कोई उसके अलावा वो जनता को भड़काते थे कि हम कोरोना का सुई नहीं लगाएंगे, और सबसे पहले कोरोना का सुई उन्होंने जाकर लगवा लिया। तो देखिए, पहले बात तो है यहाँ और जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ एक मानवता की लड़ाई है। मानवता जो बीजेपी जो है सबको साथ में लेकर चलती है। तो सर हम यही बोलेंगे, सब में एक ही बार निरहुआ, इस बार जीतेगा निरहुआ। इस बार भाजपा का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, और भाजपा का आशा है भाजपा इस बार सत्ते में है, जीतेगी कंफर्म है। क्या कारण था कि विधानसभा के चुनाव में नहीं जीत पाई भाजपा? अरे को कारण तो होता है ना, पहली बार जो एक ही बार में थोड़ी जीत जाता है, ट्राई से ही सब कुछ होता है। तो अगली बार हार गए तो हार गए, उस बार भी तो जीत थी ना, समझो। अच्छा चलिए ठीक है, सुशील आनंद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, सुशील आनंद के साथ क्या धोखा हुआ है? एकदम बिल्कुल धोखा है, और एक वो जानते थे समाजवादी कि अनुसूचित एक जाति का चेहरा है, श्री इनका नाम उछाला जाए। मैं तो आपको एक टीवी चैनल से बोल दे रहा हूँ, यहाँ सपा लड़ाई में है ही नहीं। अच्छा, जमाली बनाम निरहुआ की लड़ाई है यहाँ, सपा कहीं नहीं लड़ाई में है। चलिए दादा कुछ बता रहे हैं, बताइए दादा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समाजवादी पार्टी के संस्कार ही इस तरह के हैं। हाँ। अपने पिता का नहीं हुआ तो वो जनता का क्या होगा? हाँ। जो वक्त हो सब कोई टाल देता है। हाँ। गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। वाह। एक हसीन बीबी के चक्कर में पड़ के ये नौजवान बुजुर्ग बाप को घर से निकाल देता है। हाँ। ये नौजवान बुजुर्ग बाप को घर से निकाल देता है। हाँ। कोई क्या करेगा? हाँ। कोई कुछ नहीं कर सकता भैया, जीतेंगे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, पीछे निरहुआ का काफिला आ रहा है, और हम सफर कर रहे हैं इनकी रथ यात्रा पर। हम आपको आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से रूबरू कराएंगे, यहाँ की तमाम जनता से रूबरू कराएंगे, देखेंगे आखिरकार आजमगढ़ की जनता का मिजाज इस बार क्या बता रहा है। देखते रहिए तब तक के लिए आप यूबीटीवी।